दोस्तों मैं हूं राहुल चौहान और आज मैं बात करने वाला हूं कि अवतार दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी क्यों बनी, किसने बनाई। ये मूवी साल 2009 में क्रिसमस पर आई थी और आज तक इस मूवी का रिकॉर्ड कोई मूवी तोड़ ही नहीं पाई। इस मूवी को 13 साल से ऊपर हो चुका है जब से ये बॉक्स ऑफिस की किंग बनी हुई है और शायद फ्यूचर में इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ ही ना पाए। पर उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरन ने, इस मूवी को लिखा है जेम्स कैमरन ने, इस मूवी के एक प्रोड्यूसर जेम्स कैमरन भी है और इस मूवी के एक एडिटर जेम्स कैमरन भी है। यार बंदे ने अपनी पूरी दिल तक का जोर लगा दिया इस मूवी को इतना बेहतर बनाने के लिए। तो पहला बड़ा कारण है कि एक 3D मूवी थी। मुझे बोलने दीजिए, मैं नहीं चाहता कि आप सब मेरी छाती पर चढ़कर भंगड़ा करें। देखो अवतार से पहले बहुत सी 3D मूवी आई, बहुत ज्यादा, पर लोग उन्हें देखते ही नहीं थे, कोई क्रेज नहीं था 3D का। अवतार पहली मूवी थी जिसके टाइम लोगों को 3D का क्रेज हुआ, रियल में जमीन पे, आप लोगों के घरों के आसपास वाली जमीन नहीं, बॉक्स ऑफिस की जमीन पे। अवतार के 3D विजुअल इफेक्ट्स उस टाइम तो छोड़ो, आज तक उसके 3D विजुअल इफेक्ट्स के टक्कर की कोई मूवी नहीं आई। तो एग्जांपल के तौर पे आप सबने इन्फिनिटी वॉर को 3D में देखा होगा और जब गार्डियंस का सीन आता है थोर के जहाज के मलबे के पास तो आप सभी को लगा होगा एकदम से कि यार हमारी आंख में तो कुछ चला गया। पूरी इन्फिनिटी वॉर में शायद वो एक बढ़िया मस्त 3D इफेक्ट था कि जब हम मूवी और रियलिटी में डिफरेंस ही भूल जाए। तो अवतार में ऐसे सैकड़ों सीन्स थे तो इसलिए उसको 3D मूवी होने का बहुत बढ़िया फायदा मिला। उस टाइम पर अवतार को दूसरा फायदा मिला उसके विजुअल इफेक्ट्स, CGI और ग्राफिक्स का, क्योंकि उस टाइम पर सिनेमा 3D के सिनेमा इतने ज्यादा नहीं थे तो बहुत से लोगों को 3D टिकट नहीं मिला तो उन्होंने 2D में देखा और 2D में उनको काफी बढ़िया लगी, क्योंकि 5 स्क्रीन पर विजुअल इफेक्ट देखना अलग एक्सपीरियंस देता है और 70mm के पर्दे पर विजुअल इफेक्ट देखना अलग एक्सपीरियंस देता है। यार जमीन आसमान का अंतर है। मूवी को तीसरा बड़ा फायदा मिला कि यार मूवी का बजट बहुत बड़ा था उस टाइम पर, 240 मिलियन के आसपास, तो सब लोग सोच रहे थे कि मूवी में इन्होंने क्या डाला है, क्या बनाया है और क्या अलग ही हमको दिखा सकते हैं बाकी मूवीज से। इतना पैसा खर्चा करके इन्होंने क्या बनाया है कि एक अलग हाइप बन गई। और मूवी को चौथा बड़ा फायदा मिला कि इस मूवी के आसपास कोई बड़ी मूवी रिलीज ही नहीं हुई, मूवी के आसपास कोई भी बड़ी फ्रेंचाइजी मूवी रिलीज नहीं हुई जिसकी आज हो जाती है हर दूसरे महीने में, एक साल में कम से कम 10 से 15 फ्रेंचाइजी मूवी आ जाती है। देखो एक तो क्रिसमस था, मतलब कि लोगों के पास पैसे थे, उनको फूकने थे, साल भर का उनको अपना बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए था और मूवी के आसपास कोई ढंग की बढ़िया मूवी नहीं थी तो सारे पैसे गए अवतार पर। तो एक मोनोपोली सी हो गई मार्केट में। और मूवी को पांचवा बड़ा फायदा मिला कि अवतार को देखने के लिए ज्यादातर वो लोग आए जो आमतौर पर मूवीज नहीं देखते, जो फिल्में देखते ही नहीं, तो वो लोग तक आकर अवतार मूवी को देख रहे थे तो हाइप समझो क्या हुई होगी। और मूवी को छठा सबसे बड़ा फायदा मिला कि यार अवतार एक बढ़िया मूवी है, एक अच्छी मूवी है। अगर मूवी अच्छी ना हो, अगर माल ही अच्छा ना हो तो कोई चीज मैटर नहीं करती, एक अच्छी मूवी थी, उसको मिल गया क्रिसमस का बूस्ट, प्लस उसको मिला ही नहीं कोई कंपटीशन, तो वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी तो क्या तोड़ेगी। सातवां एक बहुत बड़ा कारण, ये मुझे लगता है पर्सनली, और ये है कि उस टाइम पर इंटरनेट बहुत कम लोगों के पास था, तो कम लोगों के पास इंटरनेट होने की वजह से जो उसकी पायरेसी हुई अवतार की, मुझे लगा FBI वालों का फोन आ गया, वो बहुत ही स्लो स्पीड से हुई। आज के टाइम पे उसके मुकाबले 100 से 1000 गुना तेजी से पायरेसी होती है। तो यार 13 साल में बहुत कुछ बदल गया है। तो बस यही थे 7 बड़े कारण कि क्यों है अवतार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यार बस लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। बस।